आज पुलवामा में 40 के ऊपर हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, करोड़ों भारतीयों की तरह मेरे दिल में भी बेहद दुख है और तकलीफ है और मेरा मन बहुत उदास है। इन जवानों के घर वालों ने आज एक पति, एक बेटा, एक भाई, एक बाप खोया है। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, हमारी रक्षा के लिए। जो इस नरसंहार के जिम्मेवार हैं उनसे तो सरकार को निपटना ही पड़ेगा हर हालत में। पर मेरे अंदर आज एक अजीब सा गुस्सा है उन लोगों के प्रति जो हमारे अपने देश के हैं लेकिन सेना का या हमारी सुरक्षा बलों का अपमान करने से चूकते नहीं हैं, अपने स्टुपिड एजेंडा या स्वार्थ के लिए घटिया से घटिया टिप्पणी करते फिरते हैं। ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा कि बस बहुत हो गया, रुक जाओ वरना जनता सड़क पर उतर कर जय हिंद। आज पुलवामा में 40 के ऊपर हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, करोड़ों भारतीयों की तरह मेरे दिल में भी बेहद दुख है और तकलीफ है और मेरा मन बहुत उदास है। इन जवानों के घर वालों ने आज एक पति, एक बेटा, एक भाई, एक बाप खोया है। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, हमारी रक्षा के लिए। जो इस नरसंहार के जिम्मेवार हैं उनसे तो सरकार को निपटना ही पड़ेगा हर हालत में। पर मेरे अंदर आज एक अजीब सा गुस्सा है उन लोगों के प्रति जो हमारे अपने देश के हैं लेकिन सेना का या हमारी सुरक्षा बलों का अपमान करने से चूकते नहीं हैं, अपने स्टुपिड एजेंडा या स्वार्थ के लिए घटिया से घटिया टिप्पणी करते फिरते हैं। ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा कि बस बहुत हो गया, रुक जाओ वरना जनता सड़क पर उतर कर जय हिंद।